जीतकर कहीं खिलखिलाए चेहरे तो कहीं झलके हार के आंसू। शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग में दिखे इमोशनल दृश्य। शोना ब्रिक्स तसीमो ने जीता फुटबॉल बेबी लीग का फाइनल। खेलों में जीत हार तो होना लाजमी है, लेकिन जहां जीत को स्वीकार करना आसान है, वहीं हार को स्वीकार करना खिलाड़ियों के लिए बड़ा दर्द भरा होता है। खेल की जीत को खिलाड़ियों के मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरों से साफ देखा जा सकता है, लेकिन हार की जो स्वीकारता है वह खिलाड़ियों के आंसुओं से ही जाहिर होती है। तब पता लगता है कि हार का दर्द क्या होता है। ऐसा ही कुछ नजारा धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग के फाइनल मुकाबले में देखने को मिला। जब खालसा फुटबॉल क्लब और सोना ब्रिक्स तसीमो टीम के बीच फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा था, तो खिलाड़ियों की धड़कनों के साथ साथ कोच भी अपनी जीत को लेकर उत्साहित थे। लेकिन जैसे जैसे फाइनल का मैच अपनी चरम सीमा की ओर पहुंचता गया, तो किसी के चेहरे मुरझाए नजर आ रहे थे तो किसी के खिलखिलाते हुए। जैसे ही सोना ब्रिक्स तसीमो ने खालसा फुटबॉल क्लब को मात देते हुए फाइनल जीता, वैसे ही खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत का जश्न देखा गया। लेकिन वहीं हारी हुई टीम खालसा क्लब के खिलाड़ी थर थर कर आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। यही नहीं, जब टीम के सचिव उन्हें चुप कराने गए तो बच्चों के आंसू देख खुद भी उन्हीं के साथ रोने लगे। उस समय मैदान में माहौल कुछ ऐसा हो गया कि हर किसी की आंखें छलकने लगी। तब पूरे मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को जीत हार का महत्व बताते हुए शांत कराया। आपको बता दें, 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का आयोजन चल रहा था, जिसमें शुरुआत से लेकर सभी मैचों में अच्छा रोमांस और मुकाबला देखने को मिला। अंतिम दिन रिनी हॉस्पिटल और सोना ब्रिक्स के मध्य पहला सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें सोना ब्रिक्स ने विजय हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरा फाइनल मैच डॉक्टर रामकेश परमार एवं खालसा क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें खालसा क्लब विजयी रहा। इसके बाद नाइट में फाइनल का मुकाबला खालसा फुटबॉल क्लब और सोना ब्रिक्स तसीमो के मध्य खेला गया, जिसके शुरुआती निर्धारित समय में तो दोनों टीमें 2-2 के बराबर स्कोर पर रहीं। इसके बाद टाई ब्रेकर में भी दोनों टीमों का स्कोर 3-3 गोल से बराबर पर रहा। उस समय दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो गईं। यही नहीं, फाइनल मुकाबले को देख अतिथि भी टकटकी निगाह से मैच को देखने लगे। बराबरी के बाद दोनों ही टीम में सडन डेथ हुआ, जिसमें सोना ब्रिक्स तसीमो खालसा क्लब को हराकर चैंपियन बनी और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। फाइनल मैच शुरू होने से पहले जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राणा और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनको जीत की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ऐसे आयोजनों से बच्चों में भाईचारा बढ़ता है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव गुरमीत मान ने बताया कि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में खालसा क्लब ध्रुव को, बेस्ट गोलकीपर के रूप में सोना ब्रिक्स के ब्रजेश को तथा बेस्ट स्ट्राइकर के रूप में सोना ब्रिक्स के जतिन को सम्मानित किया गया। वहीं गर्ल्स कैटेगरी में सोना ब्रिक्स की खुशी और खालसा क्लब की दिव्या को सम्मानित किया गया। अंत में जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरमीत मान ने सभी अतिथियों एवं लीग के आयोजन में सहयोग करने वालों का आभार जताया। इस अवसर पर डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, संदीप राणा, कोच असलम खान, राम प्रकाश, रजनी, मनीष शर्मा, राकेश यादव, परमजीत सिंह, राकेश परमार, राजेंद्र सिंह राणा, नीरज बघेल, हरि मोहन, भूपेंद्र परमार, नरेंद्र शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अजय बघेल आदि मौजूद रहे।